और बड़ी माँ उन आंटियों की बातें सुनकर बहुत अपसेट हो गई। संस्कार, मैं कह रही हूँ कि काव्या बुरी तरह से हमारे परिवार के पीछे पड़ी है। जैसे तुम उसके लाइट वाले सिग्नल के पीछे पड़ी हुई हो। मैडम, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम हस्बैंड वाइफ कम और पुलिस वाले ज्यादा बने हुए हैं। मेरी वजह से। अरे इसमें सॉरी वाली क्या बात है, पागल हो गई हो तुम? मुझे ये बताओ, अपनी विटामिन टैबलेट्स ली? नहीं ली होगी, मालूम था मुझे। एक सेकेंड रुको, पानी नहीं है। एक काम करो, उस वाले ड्रॉअर में से विटामिन की टैबलेट निकालो, मैं पानी लेकर आती हूँ। संस्कार कितनी परवाह करता है मेरी, और एक मैं हूँ जिसकी वजह से हमेशा उसे प्रॉब्लम होती है। काव्या, तो लक्ष्मी नहीं है, अकेली जा रही है। मुझे उसका पीछा करना होगा। सत्कार को बता दियो। नहीं, सत्कार को बार बार परेशान करना सही नहीं होगा। और अगर मैं अकेली गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्या करूं? हेलो रागिनी, मेरा एक काम करोगी? हाँ स्वरा, हम ठीक है, हम वहां पहुंचकर तुम्हें अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। रागिनी, तुम्हें काव्या दिख रही है? हाँ, हमारे सामने ही है। किसी सुनसान गली में जा रही है। कहाँ? हावड़ा के पास? नहीं, एमजी क्रॉस रोड पर है। ओके, और स्वरा, क्या हुआ रागिनी? स्वरा, लक्ष्मी यहीं पर है। लक्ष? हाँ स्वरा, लक्ष यहीं है। और दोनों वॉक कर रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम खा? हाँ आइसक्रीम। स्वरा,
ये तुम्हारा वहम है, हो सकता है इस बार काव्या कुछ गलत ना करने वाली हो। रागिनी, काव्या आईसी वाले से बात कर रही है क्या? उसे लक्ष्य को दूर भेजा? Are you sure कि वो लक्ष्य ही है? सारा, वो लक्ष्य है, हम लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे। रागिनी, वो बस कोई बात नहीं, एक मिनट रुको। हमने संस्कार के फोन पर लक्ष्य का फोटो भेज दिया है ताकि तुम्हें भी कंफर्मेशन मिल जाए। ओके। सौरभ, वो लोग जा रहे हैं, शायद हमें भी निकल जाना चाहिए। हम तुमसे कल बात करते हैं। चलो, तुम भी वहां से निकल जाओ, ठीक है? बाय, गुड नाइट। देखो सारा, लक्ष्य और काव्या ही है। ये तो वही है संस्कार। हाँ स्वरा, ये लक्ष्य ही है। नहीं संस्कार, ये देखो, इस आदमी के हाथ पर जलने का निशान है। ये तो वही चाट वाला है जहाँ काव्या और लक्ष्य चाट खाने गए थे। कल रात को ये चाट बेच रहा था और आज आइसक्रीम। संस्कार, मैं कह रही हूँ, ये काव्या कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। क्या मालपुआ? अरे मालपुआ बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हाँ बड़ी माँ, मैं जानती हूँ, आप लोग हर साल महाशिवरात्रि पर यही बनाते हैं ना, इस साल मैं भी वही बनाना चाहती हूँ। चल ठीक। अच्छा बड़ी माँ, महाशिवरात्रि का अभिषेक दिन में घर पर ही होता है ना? हाँ छोरी, हमारे अठे शिवरात्रि की रात को ना बहुत बड़ी पूजा होती है, एक खास पूजा होती है, और उस रात को ना कोई ना सोता है। हम सब मिलके ना भजन गाते हैं, पाठ करते हैं, और फिर अगले दिन ना महाआरती करके हम सब के सब अपना व्रत तोड़ते हैं। ठीक है, व्रत के बारे में तो पता ही, क्योंकि रागिनी भी रखती है ना। घर वाले तो सब मंदिर गए, आज उनके लिए क्या बनाऊं? काम करती हूँ, छेना पायस बनाती हूँ और सबको सरप्राइज देती हूँ। हाँ, पहले क्या करना होता है? हाँ, दूध उबालना होता है। दूध दूध तो उबल रहा है। नींबू कितने डालने हैं? हे भगवान, काम के टाइम इसका फोन बिजी आता, पता नहीं किससे बात कर रही है। किससे बात कर रही है? हैंग ऑन
और तुमने फोन कर दिया। मैं कब से तुम्हें ही फोन कर रही थी, किससे बात कर रही थी, कब से बिजी आ रहा था। अरे बाबा हम तुम्हें ही फोन कर रहे थे, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था। अच्छा छोड़ो, हमें बताओ कि छेना पायश कैसे बनाते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, रागिनी आज मुझे मालपुआ बनाना है, मुझे उसकी पूरी रेसिपी बताओ ना, क्या किस तरह से कैसे डालना है, सब सब मुझे बताओ, ठीक है। देखो स्वरा हमारे पास बहुत कम समय है, हमें पहले बताओ कि ये छेना कैसे बनाते हैं। हमने दूध तो उबाल दिया है, इसमें नींबू कितने डालने हैं। अरे मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ ना, मुझे मालपुआ बनाना है और मैंने अभी। स्वरा प्लीज रेसिपी पहले हमें बता दो ना। क्या है ना, घर वाले सब मंदिर गए हैं और उनके घर आने से पहले ना हमें छेना पायस रेडी रखना है ताकि हम उन्हें ना सरप्राइज दे सके। आओ रागिनी, तुम छेना पायस बना रही हो और मैं मालपुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले हम ही तुम्हें रेसिपी बता देते हैं। ग्रेट, अब बताओ। सुनो, पहले दूध लो और दूध में बेसन डाल। हाँ एक मिनट, अब बताओ। चलो अब तुम बताओ कि हमें क्या करना है। अरे रागिनी तुम्हारा क्या बताना है, एक नींबू डालोगी ना पूरा दूध फट जाएगा, उसका पनीर बना लो ठीक है, उसके बाद मुझसे पूछना। अब मुझे तो बताओ कि आगे क्या करूं। अच्छा एक सेकंड रुको, अरे दूध तो फट भी रहा है। अच्छा बताओ आगे क्या करना है। सबसे पहले वो पनीर लेकर फिर उसकी उसके रसगुल्ले बनाओ। ठीक है। अच्छा तो अब सुनो, सबसे पहले वो मैदा लेकर उसकी उसके रसगुल्ले बनाओ। हाँ अब कहाँ तक पहुंची, क्या क्या हो गया तुम्हारा। अरे हमारा छेना पायस तो बन भी गया। अच्छा ठीक है चलो बाय बाय। तो मुझे खबर मिली है कि मेरी बंगाली मिसेस आज मालपुआ बनाने वाली। बनाने नहीं वाली हूँ हस्बैंड जी, बना चुकी। अच्छा फिर तो टेस्ट करना बनता है। जी नहीं, पहले भोग लगेगा फिर खाने को मिले। तो भोग लगा लो। संस्कार कोई आ जाएगा, क्या कर रहे। तो मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। अच्छा वैसे मालपुआ बनाते बनाते तुम्हारे चेहरे की जो सुंदरता है काफी बढ़ गई। अच्छा तो संस्कार के साथ लक्ष्य। मैडम वो यहाँ नहीं आने वाला। पर संस्कार तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। क्यों? उसे जाकर बात करो, उस आइसक्रीम वाले के बारे में, उस चाट वाले के बारे में, शायद उसकी बातों से कोई क्लू मिल जाए। जी इंस्पेक्टर साहिबा, और कुछ। हाँ आपको कल तक आपकी सारी फाइल्स मिल जाएंगी। या लकी आई कॉल यू बैक। तूने मुझे फिर से लकी बुलाना शुरू कर दिया। मैंने बोलना बंद ही कब किया था, शायद तूने ही सुनना बंद कर दिया था। काम था तुझसे। बोल। तू लेटली एमजी रोड की तरफ गया था?
सकते हो? नहीं, वहाँ एक नई सड़क बन रही है तो पूरी रोड खुदी पड़ी है, ऊपर से सारे सूअर्स भी खुले, तो कुछ दिन उस तरफ मत जाना। ओके। वैसे कल रात तक काम शुरू नहीं हुआ था क्या? मोहन बता रहा था कि तू वहाँ गया था तो तूने देखा नहीं? कल रात मैं MG रोड पे नहीं गया था। इनफैक्ट कल रात को मैं जल्दी सो गया था। क्या? अगर तेरा हो गया हो तो मैं जाऊँ? सॉरी। थैंक यू। वो झूठ क्यों बोल रहा है संस्कार? हम दोनों ने खुद देखा था कि परसों रात को वो लोग चाट खाने गए थे और रागिनी ने भी देखा कि वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे। फिर उसके झूठ बोलने का क्या मतलब हुआ? I don't know, स्वरा। लेकिन तुम सही कह रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। सारी बातों में भूल गई। कहाँ? वो मुझे पार्टी जाना है, सब कुछ सरप्राइज देना है। जाओ तो। अच्छा हुआ कि तुम ही आ गए, वरना माँ आने की सोच ही रहे थे। तुम्हें हमारी मिठाई जो खिलानी थी, मैं भी तो इसीलिए आई हूँ। अरे शोना, माँ, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक। दादी, मालपुए बनाए, खाके बताइए ना कैसे बने। अच्छा, तूने बनाए? खुशबू तो एकदम ऐसे आ रही है जैसे। वैसी है ना जैसे आप बनाती हैं। आपकी लाड़ो से ही रेसिपी ली है। प्लीज चख के बताइए ना। सुरा, मारे को एक बात बता। वादुन, तू सच कह रही थी के थारे बाबा का एक्सीडेंट काव्या की वजह से? दादी, ये बात आप भी जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती। बाबा का एक्सीडेंट मेरी कसम तोड़ने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि काव्या ने करवाया था क्योंकि वो हमें डराना चाहती थी। सच ला दे। स्वरा, तुम्हारे मालपुए की स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही थी, मन कर रहा था कि अभी सारे खा जाए। नहीं नहीं, तू मत खाना वरना शिवजी नाराज हो जाएंगे और तुझे अच्छा वर। इतने सालों से तो व्रत रखते आ रहे हैं माँ, फिर भी क्या मिला हमें? शायद हमारी श्रद्धा में ही कमी रह गई। नहीं बेटा, मेरे कहने का। दादी, मैंने तो मारवाड़ी मिठाई बनाई है पर रागिनी ने बंगाली स्पेशल बनाया है। ये बनाया हमारी लाडू ने? छेना पायश। लेकिन तुम दोनों ही व्रत खोलने से पहले ये मिठाइयाँ नहीं खा सकते। अब मालपुए तो स्वरा ने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे मैं बनाती हूँ। लाडू, तूने छेना पायश जैसे शोभा बनाती है बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं ना, एकदम उसकी टक्कर के। कोशिश तो पूरी की है दादी माँ, अब आप सभी खा के बताइए कि कैसे बने। ना लाडू, थारी कोशिश भी कम ही पड़ेगी क्योंकि शोभा जैसा छेना पायस पूरे बंगाल में कोई नहीं बना सकता। वो तो है। ए दीदा की चमची, अब शोभा को या मत बता देना कि मैं उसकी इतनी तारीफ कर रही थी, आसमान पर चढ़ जाएगी। Come on,
ऑन गाइस, बस कुछ ही दिनों में हमारा एनुअल इवेंट है एंड उसमें हमारा परफॉर्मेंस हैज टू बी द बेस्ट, सो लेट्स रॉक। 5 6 7 8 मेरा फोन वहां है। कम ना डांस विद मी, वैसे भी मेरा कोई पार्टनर नहीं है। कम ऑन, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो, वैसे भी तुम्हारे घर में कोई नहीं है। सब कहाँ गए हैं मैम? मंदिर गए हैं। ओह मंदिर गए हैं सब, सो यू कैन डांस विद मी। ओह कम ऑन, इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाभी भी तो हमारे साथ डांस कर रही है। सॉरी बेब्स, गलती से हो गया, पर मेरे साथ डांस तो कर ही सकती हो ना। एक छोरे, थारी हिम्मत कैसे हुई? चाची जी, ये आपका घर नहीं है, ये मेरे पति का घर है। तुम चुप रहो। भाभी जी प्लीज जरा बाहर हमारे वॉचमैन को बुला दीजिए। ना बाबा ना, हमें किसी झमेले में नहीं पड़ना, चलो चलो। रिलैक्स आंटी रिलैक्स, एंड यू क्या नाम है तुम्हारा? खैर जो भी हो, जस्ट चिल, मैं तो सिर्फ तुम्हें डांस के स्टेप सिखा रहा हूं।